क्योंकि हमेशा एक स्कोप आपका दिमाग आपको बताता रहता है, देयर इज स्कोप टू बी बेटर, इवन दो आप खुजवाते रहो इंजेक्शन, ये सर्जरी वो सर्जरी, अरे यार ये तो हो गया लेकिन काश ये चीज भी चेंज हो पाती, काश ये चीज भी चेंज हो पाती। आपको वो परफेक्शन तो कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो एक मिथ है। ओके कैसे हो मेरे भाई, कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दोस्त, काम करते रहो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, किसने किसने किताब पढ़ी अभी तक, जिसने भी किताब पढ़ी है नीचे कमेंट्स में लिखो दोस्त, हमेशा रोज में पूछना जिसने इतना काम किया कमेंट्स में लिखो। आज एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं भाई, कितने लोगों ने किताब पढ़ी, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ जितने लोग भी मेरा चैनल दे रहे हैं एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल कंटेंट आप देखना चाहते हो, किसी भी तरह का समझदारी वाला कंटेंट देखना चाह रहे हो, इसलिए आप ये चैनल व्यू करते हो। आज एक बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम आई है जिस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, एक नए पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। प्रॉब्लम आई है भाई हाइट को लेकर, ठीक है, लड़के ने लिखा है हाइट छोटी है तो क्या करें। बेसिकली जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है दोस्त, इंस्टाग्राम पे जाओ एट मिनसूत्र पे फॉलो मारो और प्रॉब्लम लिखो भाई, वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर। एक नया पर्सपेक्टिव क्या आता है हाइट को कुल मिला के देखें, मैं बढ़ाना चाहता हूँ एक चीज़, मैंने बहुत बार सुनी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने हज़ारों वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे पढ़े में हाइट कैसे बढ़ाएं, ला 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 ला, ठीक है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि हम एक माइंडसेट में जीते हैं हमेशा, कोई ना कोई हमारे लाइफ में माइंडसेट होता है, और जब तक हमारे लाइफ में माइंडसेट का एक चेंज नहीं आएगा, माइंडसेट से समझ लो तुम, कह लो तुम जिस भी तरह से सोचते हो उसमें जब तक चेंज नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज नहीं आ सकता। तुम्हारे लाइफ में एक्शंस में जो चेंज आएगा, रिजल्ट्स में जो चेंज आएगा, आउटपुट में जो चेंज आएगा, अचीवमेंट्स में जो चेंज आएगा, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है, उसकी रूट है तुम्हारे दिमाग में किस तरह की विचारधारा, मानसिकता, किस तरह का माइंडसेट है जो रूल करता है तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारे डिसीजंस को। तो हम अगर रूट पे आए तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, तुम किस तरह की सोच रखते हो, सोचते कैसे हो तुम, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारी सोच को मेरे दोस्त। अगर कोई भी इंसान सोच रहे हैं यहां पर, अगर हाइट भी हटा देना तो मैं चीज देखो, कुल मिला के हाइट जो है ये एक साइन है, ये एक साइन है उन हजारों चीजों का तुम्हारी जिंदगी में दोस्त, जिन्हें तुम बदल नहीं सकते एक्चुअल में, और तुम काइंड ऑफ सैड हो रहे हो, तुम काइंड ऑफ अपने को कहते हो मैं इनफ नहीं हूं, कोई ना कोई ऐसे एक सेट स्टैंडर्ड है यू नो पूरा होने का, जिसमें अगर वो सारा सेट स्टैंडर्ड तुम मीट कर जाते तो तुम ऑसम हो जाओगे, इंप्रेसिव हो जाओगे, वो चीजें नहीं मिल पाई क्योंकि ये कुछ चीजें जिन्हें तुम बदल नहीं सकते लेकिन ब्लेम कर सकते हो, और तुम इस ब्लेम को लेकर हमेशा दुखी रह सकते हो क्योंकि ये नहीं हो सकता। अब इस माइंडसेट की प्रॉब्लम समझो क्या है, ये हमेशा उन चीजों पर फोकस करता है जिन्हें तुम बदल नहीं सकते दोस्त। तुम कवर कर सकते हो, तुम बैठ के सर्जरी करा सकते हो, तुम हजारों कर लाखों रुपए के ट्रीटमेंट करा सकते हो और अपना पैसा झोंक झोंक के उस इनसिक्योरिटी को और बड़ा कर सकते हो, लेकिन रियलिटी क्या है, ये तुम्हारी लाइफ को एक बहुत ही ट्रू वे में इंपैक्ट नहीं करते। तुम्हारी लाइफ को ट्रू वे में जो इंपैक्ट करता है, जो कि अगर तुम हजारों रिसर्चेस पढ़ोगे, कोई भी रिसर्च उठा लो, हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की, जिंदगी में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे मिलती है आपको, किसी भी रिसर्च में, ये बात मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, कोई भी मेंशन नहीं मिलेगा कि अगर आप अपनी आंखों की सर्जरी करा ले रहे हो, नोज सर्जरी करा ले रहे हो, लिप सर्जरी करा ले रहे हो, ऊपर से नीचे तक कोई भी सर्जरी करा रहे हो तो आपको हैप्पीनेस मिल जाती है, और ये साइंटिस्ट ने थ्रू लॉन्ग रनिंग सर्वे से पता किया कि हाँ भाई यही था सीक्रेट, घंटा नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो यहां पे आप मुझसे डिबेट नहीं कर सकते, यहां पे आपकी तमन्ना ये कहेगी नहीं दोस्त तुम ऐसा कह रहे हो लेकिन मुझे खुशी मिलेगी, मैं मानता हूं तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये बता रहा है दोस्त, बट साइंस बता रही है कि भाई जो 100-100 साल की रिसर्चेज हुई हैं पूरी पूरी जिंदगी में लोगों की, जिसमें बचपन से लेकर पूरे एडल्टहुड, यानी नॉट एडल्टहुड एक्चुअली, पूरा इंसान की लाइफ टाइम तक की जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें बताया कि भाई ये सब कुछ खुशी नहीं देती चीज़ें इंसान को। बिकॉज सच क्या है, खूबसूरती एक ऐसी चीज है, अपीयरेंस एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हो, बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हो दोस्त, क्योंकि आप उसको एक लिमिट तक ही एडमायर कर सकते हो, एक लिमिट तक ही देख सकते हो, फिर आप एक टाइम आके सडनली यूज टू हो जाओगे और आप वो यू विल गेट ओवर दैट थिंग। तो सेम चीज तुम पे भी अप्लाई कर रही है। अब यहां पर वापस आते हैं माइंड सेट पर दोस्त, माइंड सेट क्या है, दो तरफ से अगर लाइफ को डिवाइड करें, एक तरफ है तुम्हारी रियल जिंदगी, एक तरफ है तुम्हारी एक फिक्शनल जिंदगी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। फिक्शनल जिंदगी के हिसाब से भाई अगर मैं ऐसा दिखता, मैं ऐसा अगर लंबा होता, अगर मैं ऐसे थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ जैसे जो एवेंजर्स मूवी में है या मार्वल जो हीरो है, अगर मैं वैसा दिख रहा होता तो मेरी लाइफ परफेक्ट होती, मुझे सारी लड़कियां मिल जाती,
ठीक है, मैं शायद बॉलीवुड में भी होता, मैं इंस्टाग्राम में भी टॉप इंसान होता, सब लोग मेरे को जो देखते कहते यार तुम कितने हैंडसम, कितने सुंदर हो यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो मेरे माँ तुम्हारी हमेशा प्यार करती रहती तुम्हें कि भाई मेरा इतना सुंदर बच्चा है। तो एक ये बुलशिट तुम्हारे दिमाग में चल रही है, एक वो है, एक है रियल रियलिटी जिसमें तुम अपने अराउंड जब देखते हो तो तुम जैसे देखते हो वैसे एक्चुअल में 99% लोग देखते हैं, लेकिन तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है उससे, इवन तो तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने तुम्हें दिखा रही है। सच्चाई क्या है, फैक्चुअली सच क्या है, सब में फ्लॉज हैं, हम सब में फ्लॉज हैं, लेकिन तुम उसको इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें फिक्शनल रियलिटी बहुत अच्छी लगती है और तुम इसको लेकर चोट मारते रहते हो। अब ये मेरे को लगता है कि एस्केप मैकेनिज्म है, क्योंकि सच ये है तुम्हारी रियल रियलिटी अब एक्शंस और डिसीजंस के हिसाब से देखा जाए कि तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसमें तुम खा रहे हो घूंसेल, तो उसमें अगर तुम हल्का सा भी असेसमेंट ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा भाई ये तो मेरी वजह से हो रहा है, वो ब्लेम लेना तो यार तुम्हारी टोटल कैपेबिलिटीज पे आ जाएगा, तो वो ब्लेम नहीं लेना लाइफ में, इसलिए हम उसको इग्नोर मार के किसी ना किसी चीज पे तो नाराज होना ही है क्योंकि लाइफ तो ऑसम नहीं जा रही है, तो हम यहां पे फोकस कर लेते हैं यार हम नाराज इसलिए हैं, हमने सिंपल इसको प्लेस कर दिया इधर और हमने बना दिया इस इनसिक्योरिटी को ट्रू रीजन कि क्यों मैं मिजरेबल हूं। तो आप अपनी हजारों इनसिक्योरिटीज को जिनको रखते हैं अपनी लाइफ में जो पाल के बैठे हैं उन पर वर्क करते रहो, लाइफ टाइम वर्क करते रहो, आप खुश नहीं हो पाओगे, खुशी जो आप कह रहे हो वो नहीं मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म मेरे भाई, ये सत्य है, ये साइंस कहती है दोस्त, आपको नहीं मिलने वाली क्योंकि आप कोई अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परफेक्ट चीज है ही नहीं, आप चाहे कितना वर्क कर लो उस पर, लेकिन यहां पे रियलिस्टिकली अगर लाइफ को देखो तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, जिनसे आपकी लाइफ बेटर होगी, हो सकता है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बेटर हो सकता है आप कुछ रिसोर्सेस हासिल करो जिसकी वजह से आप जो चीजें करना चाहते थे हमेशा से वो कर पाओ, हो सकता है आप दूसरों की मदद कर पाओ, हो सकता है अपने घर वालों को आप दे पाओ कुछ, हो सकता है आप अपने लिए कुछ कर पाओ, अपने आप को खुश कर पाओ, आप जो हमेशा से तमन्ना रही है उनको फुलफिल कर पाओ। मैं यहां तुम्हारी बात कर रहा हूं सेल्फ, वहां पे फोकस है नहीं तुम्हारा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोस्त, किसी भी इंसान को बात मैंने पिछले वीडियो में कही है, हर अगर 100 लोगों को बैठाओ, पेपर दो, पेन दो, कहो कि हजारों चीजें लिखो, 100 चीजें लिखो जो आपको, जिनसे आप खुश नहीं है अपने बारे में, हर कोई लिख देगा, चाहे कितना लकी इंसान आपको ऑब्जेक्टिवली दूर से देख के, और ये तो बहुत लकी इंसान है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास है, दुनिया के सबसे सुंदर इंसान को बैठा दो, सबसे सुंदर इंसान को, वो तक 100 खामियां निकाल देगा अपने अंदर, नुक्स निकाल देगा, बैठ के लिखता रहेगा कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं, मुझे अपने बारे में पसंद, तुम कहोगे तुम्हें ये पसंद नहीं, पागल हो क्या, मिलते हैं ना ऐसे लोग भरे हुए लोग आपको, आप कहते हो भाई तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें तो मिल गया भैया जागीर में मिला हुआ है, और तुम भैया ओ फिर ऐसे करते हैं लोग, इनको देखो इनको ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप वहां पे ये मत समझिए कि वो बस उड़ रहे हैं हवा में, वो बकवास कर रहे हैं, सच ये है अपने दिमाग में हम सब कभी भी अपने आप को वैसे नहीं देख पाते कि हाँ जैसे मैं चाहता था मैं वैसा बन गया हूं, क्योंकि हमेशा एक स्कोप आपका दिमाग आपको बताता रहता है देयर इज स्कोप टू बी बेटर, इवन दो आप घुसवाते रहो इंजेक्शन, ये सर्जरी वो सर्जरी, अरे यार ये तो हो गया लेकिन काश ये चीज भी चेंज हो पाती, काश ये चीज भी चेंज हो पाती, आपको वो परफेक्शन तो कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो एक मिथ है, लेकिन आपकी लाइफ जो रियलिस्टिकली रियल लाइफ है वहां पे हजारों चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जिसके पास आपके पास पूरा पोटेंशियल है उनको अचीव करने का, लेकिन आप नहीं करते, तो आप यहां पे क्या करते हो, एक सिंपल सा एक तरीका आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तरीका नहीं एक सिंपल सा रिजल्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो ये है, जो है उसकी भी वैल्यू करना बंद कर दोगे, क्योंकि जो नहीं मिल सकता तुमने उस पर वैल्यू जोड़ के अपने आप को थप्पड़ मारना सीख लिया, तो जो है उसकी वैल्यू ही खत्म कर दी तुमने, क्योंकि तुमने उस पर वो ही देना बंद कर दिया भाई, तुमने कभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट यही तो होता है, छोटी सी बात कह रहा हूं भाई, तुम्हारी अगर कोई रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमसे प्यार भी करती है, यू नो कंपैटिबल भी है, अच्छी राय भी देती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम काइंड ऑफ जोड़ के बैठो अपना स्टैंडर्ड, यार मुझे कटरीना कैफ पसंद है, कटरीना कैफ तो अब तो कोई भी जो नई आ गई हैं लड़कियां अपनी एज के हिसाब से कोई भी समझ लो, मुझे ये पसंद है, ठीक है, जो मिल रहा है तुम उसको भी फिर कभी वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि तुम कहोगे कंपेयर मार के यार ये वैसे नहीं दिखती, अगर ये चीज मिल जाती तो मैं इनफ होता, तो रिलेशनशिप इनफ होती, तो रिलेशनशिप परफेक्ट होती है, और तुम वो ढूंढने के चक्कर में जो अच्छा खासा लाइफ में था उसकी भी मार लोगे, हजारों लोग करते हैं कि नहीं करते, जो था बढ़िया उसकी भी मार लेते हैं, फिर बैठ के सर पकड़ बैठते हैं अभी यार वो चीज सही थी यार, क्या है ये मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास बहुत कुछ है,
बट तुम्हें कॉन्शियसली अपने दिमाग से चूज करना पड़ेगा और तुम्हें ग्रेटफुल होना पड़ेगा. यू नो, एक आखिरी पेज पे अपनी किताब की मैंने एक लाइन लिखी है. नॉट ओनली कैन यू लर्न जस्ट अबाउट एनीथिंग, यू कैन लर्न हाउ टू लर्न एनीथिंग एंड यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू अनलर्न थिंग्स. दैट्स अ ट्रू पोटेंशियल इन यू. इस बात को समझो, तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल डेंजरस है तुम्हारे अंदर. तुम कोई भी चीज सीख सकते हो, किसी भी चीज को कैसे सीखना है ये भी सीख सकते हो, और जो भी चीज सीख के बैठे हो उसको अनलर्न कर सकते हो. यानी कि पूरा अपना डेटाबेस क्लियर कर सकते हो, फिर वापस कोई भी चीज में अपने आपको यूरो घुसा सकते हो. अबे इससे भयंकर पोटेंशियल और क्या लोगे कभी, लेकिन रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटीज ये बेवकूफ वाली चीजें पड़ी हुई हैं, इसमें घुस जाए. मेरी बात समझो मेरे भाई, हाइट ये सारी चीजें वैल्यू नहीं करेंगी. तुम्हें ऋतिक रोशन बनना है तो ये मत भूलो, जगह नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बैठा है ना, लेकिन तुम ऋतिक रोशन की चकाचौंध में फंसे हुए हो. अरे कैपेबिलिटी एबिलिटीज में फोकस करो ना दोस्त, कौन से टक्कर में तुम, कौन किसको हम लोग कहते हैं ट्रू या भयंकर या बढ़िया या बेस्ट एक्टर हमारे जनरेशन का इस टाइम का. एनी डे अगर तुम पोल करोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऊपर जाएगा. क्यों? एबिलिटीज पे फोकस किया उसने अपनी, उसने अपने आप को बेहतर किया अपनी शक्ल के बेसिस पे, अपने अपीयरेंस के बेसिस पे. अगर वो लड़ता तो जाहिर सी बात है उसे कहीं नहीं आना था. जिंदगी भर अपने आप को ब्लेम करता रहता, रोता रहता, अपने माँ बाप को ब्लेम करता रहता, दुनिया को ब्लेम करता रहता, भाई मेरे को दी नहीं, भगवान को ब्लेम करता रहता, भगवान आपने मुझे वैसा नहीं बनाया इसलिए मैं एक्टर नहीं बना. समझो इस एग्जाम्पल से कितना गजब एग्जाम्पल है लाइफ में आपके. आप अपने पोटेंशियल को अगर रिकग्नाइज कर ले रहे हो तो आप कहां से कहां जा सकते हो, कितनों को पीछे कर सकते हो, किसी को भी पीछे कर सकते हो. और वहीं पे अगर आप ऐसी फालतू चीजों को अगर अपने आप को ब्लेम करने लगे तो जो पोटेंशियल है उसको तो रिकग्नाइज करोगे ही नहीं करोगे. बट जो है लाइफ में तुम्हारे पास गिफ्ट्स हैं, मिले हैं तुम्हारे पास काबिलियतों के, तुम्हारे जो भंडारा मिला है उसकी भी लात मार दोगे. समझ रहे हो दोस्त? बाकी तुम पे है दोस्त, काम करते रहो. चल भाई.